हे गाइस, और एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वी के रिलेटेड बहुत सारे सवालों की। जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास वोडाफोन या फिर आइडिया का सिम कार्ड है तो क्या हमें जो है अगर वी का नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो क्या हमें वोडाफोन या फिर आइडिया से वी में मतलब पोर्ट करना पड़ेगा। अगर करना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा, ये भी सवाल होता है। तो इस सवाल की जवाब देंगे, साथ ही साथ ये भी हम बताने वाले हैं आपको कि वी का अगर आपको सिम कार्ड चाहिए, अगर आपको उसका जरूरत होगा तो कहां से आपको लेना है, कैसे लेना है, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब जब हमारे आइडिया और वोडाफोन जब हम यूज करते थे, जो हमें प्राइस मतलब रिचार्ज करने के टाइम जो हमें प्राइस देना पड़ता था ना, अभी वी में क्या उससे ज्यादा देना पड़ेगा या फिर कम देना पड़ेगा, कहां से पता लगे, सब कुछ बताने वाले। साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि वी का रिचार्ज आप कहां से कैसे करोगे, तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको वी के रिलेटेड बहुत मतलब कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और नहीं भी कर सकते हो पर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से चाहिए। दोस्तों, अगर पहली बात करिए कि हमें जो है वी में वी का नेटवर्क यूज करने के लिए हमें क्या वोडाफोन या फिर आइडिया से पोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं पहला आंसर दे देता हूँ कि नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं। अभी आप जब आपका नोटिफिकेशन बार होता है ना स्मार्टफोन का, उसे स्क्रॉल करके देखोगे जहां पर आपका वोडाफोन या फिर आइडिया लिखा हुआ रहता था, वहां पर वी इज हेयर करके लिखा हुआ रहेगा। पास में आपको आइडिया या फिर वोडाफोन का नाम दिखाएगा। अगर आपके पास आइडिया सिम था तो वहां पर आइडिया दिखाएगा, अगर वोडाफोन सिम था वहां पर वोडाफोन लिखा रहेगा, पर वहां पर आपको वी इज हेयर लिखा रहेगा। दो या फिर चार दिन या फिर कुछ दिन बाद जो वहां पर आइडिया भी देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको वी देखने को मिलेगा। नया नया इस वजह से वी इज हेयर आपको वहां पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको पोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें नया सिम कार्ड की जरूरत होगा वी का नेटवर्क हमें यूज करने के लिए, तो दोस्तों नहीं, इसका कोई भी जरूरत नहीं। जो भी आपके पास सिम कार्ड है उसी को आप यूज कर सकते हो वी का नेटवर्क लेने के लिए, क्योंकि आपके पास पहले वोडाफोन या फिर आइडिया का तो सिम रहा होगा, उसी से आप जो वी का जो नेटवर्क है उसका मजा ले सकते हो। और यहाँ पर एक मैं बात बता देता हूँ, आप जब नया सिम खरीदने जाओगे वी का तो वहां पर आपको वी का सिम कार्ड मिलेगा, वहां पर वोडाफोन या फिर आइडिया का नहीं मिलेगा। पर वहीं पर अगर आप नया का आपके पास जो सिम कार्ड है पुराने वाला उसको चेंज करने जाओगे ना, तो बहुत सारे आपको झोल मतलब देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपका जो पुराने नंबर है उसी नंबर से आपको सिम लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे सवाल मतलब बहुत कुछ करना होगा। जरूरत नहीं, जो सिम है उसे यूज करो, नया सिम खरीदना है जाके खरीदो, जो भी कस्टमर मतलब सेंटर है वहां पर जाके अगर आप खरीदोगे वोडाफोन या फिर आइडिया के सिम खरीदने के जाओगे तो आपको वी का सिम कार्ड अभी देखने को मिलेगा, और नया सिम कार्ड होगा तो अगर आपको नया खरीदना तो जाओ, अगर पुराना से ही यूज करना चाहते हो, पुराना नंबर आपको चाहिए तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिचार्ज प्लान के बारे में, कि रिचार्ज प्लान क्या बढ़ जाएगा, जो पैसा हमें पे करना पड़ता था वोडाफोन या फिर आइडिया के लिए वो क्या हमें अब ज्यादा पे करना पड़ेगा या फिर कम, वो कहां से जाने। तो दोस्तों, जहां से आप रिचार्ज करते थे ना पहले, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, चाहे वो अमेजन पे हो, कहीं से भी रिचार्ज करते थे, वहां पर आप जब जाएंगे आपका नंबर एंटर करेंगे तो वहां पर अभी आपको आइडिया या फिर वोडाफोन देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर आपको वी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वी का जितना भी प्लान होंगे ना रिचार्ज प्लान वो सब कुछ वहां पर आपको शो करेगा। साथ ही मैं एक बात यहां पर आपको बोलना चाहूंगा कि आप बहुत आसानी से जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप माई वोडाफोन या फिर माई आइडिया यूज करते थे ना एप्लीकेशन, वैसे ही आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर आपको सारा चीज जो है सिंपली देखने को मिलेगा, वहां से आप रिचार्ज भी कर पाओगे आसानी से यूपीआई के थ्रू। तो यहां पर आपको मतलब प्रॉब्लम कोई भी नहीं होने वाला कि ये चेंज मतलब वोडाफोन आइडिया एक साथ हो गया तो हमें ये करना होगा वो करना होगा, नहीं, अभी कुछ नहीं करना। नया सिम की जब बात आएगा तो वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे कि ये जगह जाओ वो जगह जाओ, तो आपको जो है नया सिम कार्ड मिलेगा पुराने सिम कार्ड की जगह, तो वो खुद से बता देंगे। अभी आपको उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और ना ही नया सिम कार्ड की जरूरत है, ना ही कोई प्लान चेंज हुए है, कुछ भी चेंज नहीं है, पोर्ट करने की भी जरूरत नहीं, बस ये समझ लो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते। तो गाइज, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हर एक टाइम जब भी वीडियो बनाते हैं ना तो ये होता है, मतलब जो भी शर्ट पहनता है वो भीग जाता है, पर वो ही कलर जैसा कलर होता है वैसे मतलब देखने को मिलता है। अगर ब्लैक कलर होगा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, व्हाइट कलर होगा तो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये जो शर्ट है मैं पहले पहनता था जब वीडियो बनाता था, पहले ना तब बनाता था, और तब ऐसा ही सिचुएशन होता था हर एक दिन। अभी मेरे पास फैन तो है तो फैन में नहीं चलाता क्योंकि तब जो है ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाएगा, और इसी वजह से मैं फैन नहीं चलाता ताकि आपको ऑडियो क्वालिटी बेहतर मिले, और आगे कोशिश करूंगा इस शर्ट को नया पहनने का ताकि ये जो चीज है ना दिखे। तो ये वीडियो भी इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, साथ ही साथ अगर नए हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, केयर फॉर योरसेल्फ, योर फैमिली एंड द नीड, सो बाय बाय, जय हिंद।